आज हम आ चुके हैं क्लास नंबर 74। आप सभी का इसी में स्वागत है, जिसमें हम आपको फोर लूप की सहायता से जावा स्क्रिप्ट में एक एरे बना के दिखाएंगे किस तरीके से काम करेगा एरे। ठीक है, तो इस क्लास को अटेंड करने के लिए आपको पूरा पहले वीडियो देखना पड़ेगा, इसको पूरा अटेंड करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, और अब चलते हैं हम नोट पैड की सहायता से इसको आपको एरे में किस तरीके से काम करेगा फोर लूप वो बताते हैं। तो सबसे पहले ये तो हमने क्लास पूरा लिख लिया है, ये तो आपको हर एक पेज में मिलेगा। अब चलते हैं, यहाँ पे हमारा मेन पार्ट होता है वो बॉडी से स्टार्ट होता है। तो बॉडी हमने लिख लिया है, बॉडी के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉडी को यहाँ पे क्लोज करेंगे, क्योंकि सारा डेटा हमारा बॉडी के अंदर ही चलता है। इसके बाद हमने बॉडी को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज करने के बाद उसी के अंदर हम डेटा लिखेंगे, बॉडी के अंदर तो एंटर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, यहाँ पर हेडिंग हमने बना लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा प्रोग्राम हम किसका बना रहे हैं। तो हम हेडिंग किस लिए बनाते हैं, H1 बनाते हैं, और स्लैश बटन के साथ में H1 को स्लैश कर लेते हैं, जिससे सहायता से वो हेडिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो हम यहाँ पे कैसा लूप बना रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट के अंदर बना रहे हैं। तो हमने जावा लिखा, स्क्रिप्ट लिखा, SCRIPT और T स्क्रिप्ट लिखा, उसके बाद कैसा डेटा है हमारा, एन एरे, ARRAY एन एरे है, किस टाइप का है, फोर लूप, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फोर लूप यूज करेंगे एन एरे के साथ में। तो आपको फोर लूप तो पता चल गया, क्योंकि इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको फोर लूप क्रिएट करके समझाया था। अब यहाँ पे हम एरे में कैसे यूज करेंगे वो दिखाएंगे हम आपको। ठीक है, तो आज हम ऐसा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जो एरे में काम करेगा। सबसे पहले हमें एक स्किस की ज़रूरत पड़ी, एक हेडिंग की, तो हेडिंग हमने लिख लिया। अब पड़ती हमें ज़रूरत एक क्लास की, तो सबसे पहले हमें पैराग्राफ पी लेना पड़ेगा, और आईडी के अंदर इक्वल टू हमें क्या लेना है, इन्वाइटेड कॉमा में एक डेमो नाम से डेमो की क्लासेस अटेंड करना है। इसके बाद फिर क्या करना है, स्लैश बटन द्वारा उसको क्लोज करना है, ग्रेटर देन के अंदर पी को जो हमने पैराग्राफ ओपन किया है उसको क्लोज कर लिया। तो यहाँ तक तो कंप्लीट होने के बाद फिर एंटर करना है। अब हम जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो हमें टैग स्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा, जो पहले टैप है हमने यूज किया, जिसमें लेस देन ग्रेटर देन के अंदर स्क्रिप्ट टैप हमने यूज कर लिया। अब हमें उसको क्लोज करना है स्लैश बटन से, स्क्रिप्ट टैप को टैग बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो हमने ये क्लोज कर लिया। अब हमारा जो भी प्रोसीजर होगा इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही सारा डेटा इंक्लूड होता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं BAR के नाम से, और उसका नाम रख दिया हमने कार्स, क्योंकि बहुत सारी कारों के हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, वेरिएबल, जो वेरिएबल है वो क्या बनाएंगे यहाँ पर एरे के द्वारा डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने स्पेस देना है, इक्वल टू देना है और स्पेस देना है। यहाँ पे हम एरे को डिफाइन करते तो ये हमारा ब्रैकेट की ज़रूरत होती थी, और उसके बाद सेमीकोलन की ज़रूरत होती थी। जो हमने एरे पढ़ाया था एरे फंक्शन, तो आपको पता होगा ये पहले से ही कि जिस चीज़ें हमने किस तरीके से क्रिएट की थी वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले इन्वाइटेड कॉमा लगाना है, इन्वाइटेड कॉमा में गाड़ियों के नाम लिखना है। सबसे पहले लिख दिया मैंने BMW। ठीक है, आगे जाकर के थोड़ा सा इस नीचे कॉमा लगाना है, फिर आगे जाके थोड़ा स्पेस देना है, फिर हमें क्या करना है एक और इनवाइटेड कॉमा लगाना है, जिसमें मैंने दूसरी गाड़ी लिख दी बेल्बो। ठीक है, और उसके बाद ऐसे ही सेम प्रोसेस चलता रहेगा, और उसके बाद इनवाइटेड सेम प्रोसेस चलेगा, बस गाड़ियों के नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साव, उसके बाद कॉमा लगाया, थोड़ा स्पेस, फिर इनवाइटेड, और इनवाइटेड के बाद हो नेक्स्ट मैंने लिख दिया फॉर्ड, उसके बाद कॉमा, थोड़ा स्पेस, फिर इनवाइटेड, फिर मैंने नेक्स्ट लिख दिया फ्लैट। ठीक है, फिर उसके बाद कॉमा, फिर इनवाइटेड, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे RD। इस तरीके से मैंने गाड़ियों को यहाँ पे पूरा नामकरण कर लिया, और उसके बाद लास्ट में जा करके इसमें सेमी कॉलन लगा दिया। मतलब जो हमने यहाँ पे एक हमने क्या बनाया, एरे बनाया कार के नाम से, वेरिएबल से डिफाइन कर लिया। ठीक है, कार्स के नाम से, जिसमें कार बहुत सारी इकट्ठी करके हमने क्या रख ली यहाँ पे एरे में डिफाइन कर लिया, और लास्ट में सेमी कॉलन द्वारा उस लाइन को फिनिश कर दिया, क्रिएट पॉइंट। अब यहाँ पे जाके एंटर करना है, एंटर करने के बाद BAR लिखा, थोड़ा सा स्पेस देना है, TEXT लिखा। ठीक है, फिर स्पेस देना है, फिर आपको इक्वल टू बटन लगाना है, थोड़ा सा स्पेस देना है, इनवाइटेड कॉमा लगाना है, और लास्ट में हमने सेमी कॉलन द्वारा उस लाइन को भी पूरा फिनिश कर लिया।
यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, बी ए आर एक वेरिएबल लिया जिसको क्या नाम दे दिया हमने, आई। आई क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अभी फोर लूप का यूज करेंगे, क्योंकि हमने हेडिंग में ऊपर लिखा है फोर लूप फोर एन एरे फोर लूप जावा स्क्रिप्ट, तो हमें इसका क्यों यूज कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट के अंदर फोर लूप का यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें आई का ज़रूरत होती है, क्योंकि आई को हम बार बार यूज करेंगे अभी असाइन करके, और उस लाइन को भी हमने पूरा ब्रेक करके लाइन को फिनिश कर दिया सेमी कॉलन द्वारा। अब चलते हैं हम फोर लूप अप्लाई करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं एफ ओ आर, फोर लूप लिखा जिसके अंदर ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या लगाएंगे, जैसे आई इक्वल टू ज़ीरो और सेमी कॉलन से उसको फिनिश कर लिया, फिर आगे जा कर के आई लेस देन, आगे हमें क्या यूज करना है, क्योंकि गाड़ियों का यहाँ पे वो चल रहा है, तो गाड़ियों का ही हम यहाँ पे क्या लेंगे, नाम लेंगे, गाड़ी के हिसाब से हमें यूज करना है, तो गाड़ियों के नाम से ही हम इस डेटा को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, जैसे ऊपर क्या लिया था, कार सी ए आर एस डिफाइन किया था, देखो यहाँ पे कार्स डिफाइन है, तो वही हमने यहाँ पे ले लिया है, तो यहाँ पे हमने कार्स लिखा। अब वो पूछ रहा है जो कार्स हैं वो कितनी हैं, लेंथ ले रहा है, तो डॉट लगाया, तो उसमें हम क्या लिख देंगे, एल ई एन जी एच टी, तो ये हमारी लेंथ बताएगा कितनी गाड़ियाँ हैं, एक लूप के अनुसार बता रहा है। उस लाइन को भी हमने फिनिश कर लिया। देन उसके बाद आई प्लस प्लस, मतलब ये कंडीशन कब तक चलेगी, जब तक जितनी गाड़ियाँ हैं उतनी फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक वो आपके सामने वो गाड़ियों की लाइन शो करता जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ तक आने के बाद हमें क्या करना है, आगे जाने के बाद एंटर करना है, एंटर के बाद आपको कैलिब्रेसिस ओपन और कैलिब्रेसिस क्लोज बटन यूज करना है, उसी के अंदर हम डेटा लिखेंगे टी ई एक्स टी, ठीक है, और हमें थोड़ा इस पर देना है, प्लस बटन लगाना है, फिर इक्वल टू लगाना है। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, कार्स लिया है, तो कार्स ही लिखना पड़ेगा, और एरे के लिए हमें ये ब्रैकेट ओपन करना होता है जिसके अंदर हमने क्या लिया है, आई, आई के अंदर हमने सारा डेटा इनिशियलाइज किया है, और उसके बाद फिर प्लस क्या लिया है हमने यहाँ पे, सॉरी इसी के अंदर नहीं, बाहर बाहर जा कर के प्लस लिया है, और उस लाइन में जो भी कार आए उसको ब्रेक कर दे, एक के नीचे एक आती चली जाए, तो ब्रेक के लिए हमने क्या पढ़ा था, बी आर पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद उस लाइन को भी हम पूरा फिनिश कर देते हैं लेस देन ग्रेटर देन के अंदर हमने बी आर लगाने के बाद, तो यहाँ तक तो आपकी कंप्लीट हो गई प्रोसेस। अब बात आती है कि यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस के बाद हमें आउटपुट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आउटपुट के लिए सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर आउटपुट के लिए, तो वो हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। आउटपुट के लिए, आउटपुट के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट, किसकी ज़रूरत पड़ती है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ई एल ई एम ई एन टी एलिमेंट वाई आई डी और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट इनवाइटेड कॉमा, उसके अंदर लिखेंगे डेमो, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा डॉट आई डबल एन ई आर इनर एच टी एम एल इनर डॉट एच टी एम एल, फ्री स्पेस देना है, इक्वल टू फ्री स्पेस देना है, और जो हमने ऊपर कार लिया है, तो हमने ऊपर कार लेने के बाद कार को किस में स्टोर कर रहे थे, टेस्ट में, तो हम यहाँ पे हम डायरेक्ट टेस्ट का यूज करेंगे, क्योंकि टेस्ट हमारा आउटपुट का शो करके दिखाएगा, और उसको लास्ट में क्या कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे उस डेटा के अंदर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, जो डेटा हमने बनाया वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है इस तरीके से डेटा के अंदर। तो जो हमने प्रोग्राम बनाया ऊपर से यहाँ से 74 नंबर से 74 से हमारा यहाँ पे जो बना रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है प्रोग्राम, और प्रोग्राम यहाँ तक चलता है स्क्रिप्ट तक। समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने डिफाइन किया उसको और किस तरीके से क्रिएट किया। तो फोर लूप को हमें बता दिया ये कब तक चलेगा, जब ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है कहाँ तक, कार को लेंथ लेगा, मतलब जहाँ पे कार जितनी भी रखी है जब तक उसको डिफाइन करता जाएगा, जब तक वो लास्ट में फॉल्स नहीं हो जाता। तो इस लाइन को शो करने के लिए चलते हैं, हम सेव करते हैं और फिर आपके सामने आउटपुट लेकर के आते हैं, तब आपको क्लियर पॉइंट हो जाएगा। सबसे पहले हम कहाँ पे गए, फाइल के अंदर गए, शेप एस में जाना है। शेप एस में जाने के बाद ये फाइल हमारी डायलॉग बॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। फिर इसको क्या करते हैं, डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद हमें ऊपर डेस्कटॉप सेलेक्ट करना होता है, फाइल का नाम कार्डर करना होता है। तो फाइल का नाम पहले से धारनाम से डॉट एस टी एम एल मैंने इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड करने के बाद इसको सेव करना है, सेव करने के बाद उसके बाद येस करना है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट प्रोसीजर हो जाता है।
अब इसके बाद आता है मेन प्रोसीजर, वो करता है क्या काम देख लीजिए। अब जो हमने बनाया फाइल के अंदर वो हमारा डेटा कहाँ पे स्टोर हो गया, एक्सप्लोरर विंडो के अंदर यहाँ पे आ गया। इसको डबल क्लिक करेंगे तब हमारी वो क्या करेगा, एक्सप्लोरर विंडो के अंदर ओपन करेगा आउटपुट को। तो अभी यहाँ पे कनेक्टिविटी हो गया डेटा और ये कह रहा है इस प्रोसीजर को ओके कहिए। तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है एरो बटन पर, एलो पे, और यहाँ पर जाके बने डेटा को यस करना है, तब हमारा आउटपुट शो होगा। तो यहाँ पे हमने जितनी भी गाड़ी ली थी वो यहाँ पे आपको सामने शो हो रही हैं, दिखा रही होंगी। तो यही हमारा मेन आंसर था इसका, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर एरे फंक्शन के द्वारा किस तरीके से डेटा में हमने फोर लूप यूज किया और जितनी भी गाड़ी थी वो फोर लूप में हमने चला के दिखा दिया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख लीजिए पहले, इस तरीके से हमारी लेंथ शो करके वो शो करके दिखा रहा है, जिससे क्या हो रहा है वो शो हो रहा है ये सारी गाड़ियाँ। ओके, समझ में आया, ये हमारी शो गई पूरी विंडो। और भी गाड़ी लेंगे तो आपके अनुसार शो हो जाएगी लेंथ करने के बाद। तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा, एरे के अंदर फोर लूप में किस तरीके से डिफाइन करते हैं डेटा को, ठीक है। तो आज हमने क्लास में आपको क्या सिखाया, एन एरे फोर लूप जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो ये गाड़ियों की आपकी संख्या ली तो वो आपको क्या कर दिया, एरे के हिसाब से डिफाइन कर दिया उसने आउटपुट में। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि ऐसी ही क्लास अटेंड करने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए, और सबसे ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।